मचाया हाहाकार। मंदिर की घंटियां थी खामोश, गूंजती रही बच्चों और महिलाओं की चीख। वक्त ने ली थी ऐसी करवट, हर किसी की आंखें रोई। उम्मीद की किरण ने भी छोड़ा सा, पानी में डूबी जिंदा बचने की उम्मीद। लेकिन दिल रोता रहा, इंसानी फरिश्तों ने भी छोड़ा सा। किसी ने लूटी अस्मत, तो किसी ने लूट लिए जीवन। कैसे भूले उस मंजर को जिसने छीना अपना। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। 10 दिन पहले कुदरत ने देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा कहर बरपाया कोई सोच भी नहीं सकता था। पानी का एक ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ साथ बहाकर ले गया, कुछ नहीं बचा। जहां कभी मेला लगता था, आज वो घाटियां वीरान पड़ी हैं और साथ ही जगह जगह पहाड़ पर पड़ी हैं लाशें। लेकिन कुदरत के इस कहर के बाद इंसानियत के चंद दुश्मनों ने भी अपना रंग दिखाया। जान गवा चुकी जिंदगियों से लूटपाट, इज्जत से खिलवाड़, तरह तरह की वारदातें अंजाम दी जाने लगी और पहाड़ का सीना फाड़ दर्द भरी आवाजें बाहर आई। हमें मत मारो, हमें मत लूटो, बख्श दो हमारी इज्जत। हम लोग मुरैना से आए, जून 2013 की रात देवभूमि उत्तराखंड पर कहर बनकर बरसी। बारिश और फिर बाढ़ ने ऐसा तांडव मचाया कि कोई संभल नहीं पाया। कई जिंदगियां हलाक हो गई तो कितने ही लोग मौत के मुहाने पर खड़े हैं। मंदिर, आशियाने, सड़कें, पहाड़ सब पानी लील गया और कुछ रह गया तो सिर्फ दर्द। देवभूमि उत्तराखंड रो रहा है। साथ ही जार जार है पूरा देश। हिंदुस्तान के कोने कोने से चार धाम यात्रा पर आए कई यात्री अपनी जिंदगी गवा बैठी। 16 जून की रात बारिश और फिर बाढ़ का ऐसा कहर बरपा कि कोई संभल नहीं पाया। कई जिंदगियां पानी के बहाव के साथ बह गई तो कई लोग अब भी मौत के मुहाने पर खड़े हैं। जिस जगह कभी मेला लगता था, हजारों लोग भगवान के दर्शन के लिए दस्तक देते थे, आज वही घाटियां वीरान पड़ी है। किसी भी जहन ने इस बात की कल्पना तक नहीं की होगी कि ऐसा भी होगा। जब जान बचाना तो दूर, लाशों के साथ दिन बिताने पड़ेंगे। लोग चीख रहे थे। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ को अपना
काम कर गई। उसके बाद इंसानी जज्बात फफक पड़े। और आंसुओं का दरिया बह गया। हम पहाड़ों पर चढ़ गए। हमारे साथ 20 लोगों का ग्रुप था। अब 20 में से 5 लोग हम अलग गिर गए, ये 15 लोग अलग गिर गए। तस्वीरें गवाह हैं। मंदिर, आशियान, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बह गया। सड़कें उफान पर आई, नदी के अंदर समा गई। पहाड़ों से निकले रास्ते अचानक गायब हो गए। जो कुछ पानी के प्रवाह के आगे आया वो सब कुछ नीलता चला गया। कुछ भी नहीं छोड़ा सिवाय बर्बादी और दर्द की। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक हाहाकार मच गया। कुदरत ने भगवान तक को नहीं बख्शा, उसकी चोट ऐसा जल जला मचाया कि देखने वाले हैरान रह गए। मौत को अपनी आंखों से देखने वाले सन्न रह गए, क्योंकि कुदरत का रौद्र रूप दिल बहलाकर रख देने वाला था। अपने अपनों से बिछड़ गए। किसी मां का बेटा लापता है तो किसी बेटे की बूढ़ी मां मिल नहीं रही। किसी का सुहाग पास नहीं है तो किसी की पत्नी पत्थरों के बीच फंस गई। जो जहां था बस वहीं रह गया। कुदरत ने चीख निकाल कर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तरुण कुमार, समाचार। देख ली कुदरत की मार, ना कोई संभल पाया और ना ही कोई समझ पाया। लेकिन 10 दिन पहले आई इस आपदा के बाद एक और तबाही मची, वो तबाही जिसकी जिम्मेदार कुदरत नहीं बल्कि इंसान है, जिसने दर्द के इन लम्हों से जूझ रहे लोगों को नहीं बख्शा। ये तस्वीरें पहले जरा गौर से देख लीजिए, ध्यान दीजिए इन तस्वीरों पर। प्राकृतिक आपदा ने जो जिंदगियां ली ली वो यहां वहां पड़ी है, लेकिन इन लाशों पर भी कहर बरपा है। भले ही भगवान के दर पर आकर इनकी मौत हुई हो, आत्मा को मुक्ति मिल गई हो, मगर मृत शरीर अब भी कष्ट झेल रहा है। क्योंकि आपदा के बाद त्रासदी और फिर वारदातों का सिलसिला शुरू हो गया। एक नहीं बल्कि कई ऐसी तस्वीरें देखने के लिए मिली जहां लाशों से भी लूट खसोट की गई। देखिए किस तरह लाश चाकू धारदार हथियारों और हथौड़ों से लाशों पर प्रहार कर उनके जेवरात उतारे जा रहे हैं। इंसानियत दिखाने के बजाय लुटेरे बन गए। इनके जज्बात खत्म हो गए और बस एक ही चीज इन्हें दिखाई दी, पैसा, सामान और जेवरात, जिसको पाने के लिए इन्होंने हर हद तोड़ दी। कोई पत्थर के नीचे दबा था तो कोई बह कर आया, मगर इनका जमीर नहीं जागा, इनकी आत्मा नहीं कुल बुलाई मर चुके जिस्म से चोरी करते हुए। कौन है ये लोग, कहां से आए हैं, इंसान है भी या नहीं, क्योंकि इनकी करतूत तो बस
यही बता रही है कि ये इंसान नहीं हो सकते। तस्वीरें इस बात की बखूबी तस्दीक कर रही हैं कि हालात बद से बदतर है। खबरें ऐसी भी हैं, जख्मी और पीड़ित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनकी इज्जत पर वार हो रहा है, लूटपाट की जा रही है, लोग जान बचाने के लिए जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं। तो वही साधु के भेष में कुछ शैतान नापाक करतूते अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार, उसका प्रशासन, उसकी पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। आज तक इस देहू में कभी ऐसा नहीं हुआ था जो पहली बार हुई है कि इतने लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के लोग हैं, इसमें कुछ नेपाल के आए हुए लोग पकड़े गए हैं बीच में, और अन्य ऐसे जब भाग दौड़ मचती है तो स्वाभाविक लूटपाट भी कर सकते हैं, और ये ऐसी दुखद घटनाएं हैं जो भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। इन चीजों को सख्ती से रोका जाना चाहिए भविष्य में। और उनका साफ कहना है, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल, क्या तस्वीरें झूठ बोल सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तरुण कुमार, समाचार प्लस। वाकई सवाल उठते हैं, आखिर कौन है ये लोग, इंसान है भी या नहीं, या वाकई शैतान है जिन्हें जज्बात और जिंदगी से जद्दोजहद करते लोग दिखाई नहीं दे रहे? आखिर इनका जमीर क्यों नहीं जागा जब कुदरत ने करवट ली और तबाही मचा दी, मदद के हाथ बढ़ाने के बजाय लुटेरे बन गए। जी हाँ, एक तो आपदा का दंश और ऊपर से लुटेरों का कहर। देश के कोने कोने से आए तीर्थ यात्री, सैलानी, हर कोई हलकान है। इंसानी भेष में छिपे वो शैतान लगातार इंसानियत दागदार कर रहे हैं। लगता है दर्द से जूझ रहे लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं। बस पीड़ित मजबूर हैं बेबसी के आंसू बहाने के लिए। एक तो पहले ही कुछ नहीं बचा, दूसरा लूटपाट का खेल खेला जा रहा है। छीना झपटी मची है, कोई कह रहा है नेपाली दिखने वाले लोग लूटपाट मचा रहे हैं। इसमें कुछ नेपाल के आए हुए लोग पकड़े गए हैं बीच में, और अन्य ऐसे जब भाग दौड़ मचती है तो स्वाभाविक लूटपाट भी कर सकते हैं। तो कोई कह रहा है साधु शैतान बन गए हैं। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, अब तक तकरीबन 1 करोड़ रुपया बरामद कर लिया गया है। सेना, ITBP, NDRF बचाव कार्य में लगी है, मगर हमारी उत्तराखंड पुलिस पता नहीं कहाँ है। गिर दिया, मैं नहीं समझता कि देवभूमि के लोगों ने किया है, क्योंकि वो खुद इस आपदा में अपना घर बार समा चुके हैं, जिसके कंधे पर राज्य की कानून व्यवस्था टिकी है। सब कुछ अस्त व्यस्त है, सोच कर भी दिल दहल जाता है कि आपदा का शिकार हुए शवों से जेवर लूटे जा रहे हैं। आम इंसान सोच कर भी सहम जाएगा। दर्द के इस मंजर के बीच आखिरकार ये हो क्या रहा है? एक तो पहाड़ पर जल प्रलय, फिर त्रासदी, अ
अगर ये घटनाएं हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत शर्मसार करने वाली है। प्रशासन को इसके लिए मुस्तैद होना चाहिए। तो इस तरह की घटना मैं तो नहीं समझती देवभूमि के लोग कर रहे होंगे। इस तरह की घटनाएं तो आज तक यहाँ पहाड़ में कभी हुई नहीं है, लेकिन जैसे सुनने में मिल रहा है कि जो बाहर के नेपाली मजदूर गौरीकुंड में रहते थे और जो बाबा लोग थे, उन लोगों ने इस किस्म की घटनाएं करी हैं। जो ये और उसके बाद वारदातों का